कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। दोस्तों नमस्कार, भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों मैं आज के इस लेक्चर नंबर 9 में, बेटे आज हम 9th लेक्चर करने वाले हैं, और इस लेक्चर नंबर 9th में मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ कि आज मैं एक थर्ड मेथड आपको बताने जा रहा हूँ। बेटे मैंने आपको बताया था फर्स्ट 4 लेक्चर्स, अगर आपने मेरे जनरल एंट्रीज के ध्यान से सुने हो, बिगिनिंग के 4 लेक्चर्स, बेटे मैंने बताया था जनरल एंट्री क्या होती है, जनरल बुक क्या होता है, जनरलाइजिंग क्या होता है, और कितने मेथड से आप एंट्रीज पास कर सकते हैं, आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। बेटे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम जनरल बुक में 3 तरीके अपनाते हैं, देयर आर 3 मेथड्स। वी ऑन द बेसिस ऑफ दोस 3 मेथड्स कैन पास जनरल एंट्रीज, हम उन 3 मेथड्स के बेसिस पे जनरल एंट्रीज पास कर सकते हैं। बेटे मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में 8 तक मेथड 1 और मेथड 2 बता दिया, मतलब मेथड 1 तो मेरे वाला मेथड, लेन देन वाला मेथड, मेथड 2 अमेरिकन मेथड, अकाउंटिंग इक्वेशन मेथड, और आज मैं जो बताने जा रहा हूँ सबसे पुराना बेटे उस मेथड का नाम है ट्रेडिशनल मेथड। मैं आज आपको लास्ट पहला जो सबसे पहले इन्वेंट हुआ था बेटे आज मैं वो बता रहा हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि एग्जामिनेशन में, पेपर में या रियल लाइफ में आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है अपने माइंड में, और उसके बाद आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है। और आपको एक बात बता दूं, चाहे आप मेथड 1 करें या 2 करें या 3 करें, बेटे तीनों मेथड से आपकी जनरल एंट्री सेम ही आने वाली है। तो प्लीज आज के लेक्चर को थोड़ा सा सिंसियरली लेना बेटे, सिंसियरली लेना, क्योंकि आज लास्ट मेथड को मैं इंट्रोड्यूस कर दूंगा, इसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस करने हैं जिसमें अलग अलग सिचुएशंस बतानी है। बस बेटे आप ये समझ लो आज जो भी कुछ है मैं आपको देने वाला हूं, और फिर प्रैक्टिस करेंगे। खाली आज के लेक्चर से कोई फायदा नहीं होने वाला जब तक आप मेरे आने वाले लेक्चर्स भी अटेंड ना करें, ध्यान से ना देखें, क्योंकि उन सभी में मैंने इन मेथड्स को अप्लाई किया है। तो बेटे अपना रजिस्टर ओपन करें, देखिए कितनी अच्छी तरह से बच्चा बैठा हुआ है और मेरी बात मान रहा है। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। बेटे आज मैंने बड़ी प्यारी सी बात लिखी है आपके लिए, मुझे पता नहीं आज ऐसा एहसास हुआ कि मैं एक बात बताऊं आपको। ये कहावत आपने सुनी होगी, बचपन में कहीं ना कहीं याद भी की होगी, शायद स्टेज परफॉर्मेंस में भी, स्कूल में, कॉलेज में, प्रोफेशन में, जॉब में, कहीं ना कहीं आपने जरूर सुना होगा। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, बार 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 प्रैक्टिस करने से जो जड़मति होता है, जो बुद्धू होता है, वो भी समझदार बन जाता है। तो इसका मतलब आप इंटेलिजेंट नहीं है कोई बात नहीं, आप हार्ड वर्किंग आपका होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। लगातार आप करते रहे, लगातार आप उन चीजों को करते रहे, क्योंकि लगातार रस्सी के आने जाने से बेटे पत्थर के ऊपर निशान पड़ जाता है। तो आप ये बताइए, आप पत्थर तो है ही नहीं, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी वो चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए मन छोटा ना करें कि आपको जनरल इंटरेस्ट नहीं आती, बेटे अब आती हैं, अब आपके हाथ में तीन मेथड आ रहे हैं। तो मैं भूपेश आनंद लेक्चर 9 की शुरुआत कर रहा हूं, और बेटे मैंने आज लिखा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच। आज के लेक्चर में मुख्य तौर पे मैं आपको मेथड नंबर थ्री ट्रेडिशनल मेथड, यूरोपियन मेथड कराने जा रहा हूं। और उस मेथड में जनरली देखा गया कि अकाउंट को 3 भागों में हम डिवाइड करेंगे, हम 3 तरह के ट्रांजैक्शंस को 3 अकाउंट्स में डिवाइड कर देंगे। बेटे कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी, कोई भी हादसा होगा, कोई भी ऐसी चीज होगी जिससे हमारे कैपिटल में, लायबिलिटीज में, एसेट्स में, वैल्यू में डिफरेंस आएगा, बेटे उसी को तो ट्रांजैक्शन बोलते हैं। अगर कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी तो बेटे हम उसको 3 पार्ट्स में, 3 अकाउंट्स में, वी विल डिवाइड इनटू 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। आज मैंने उन्हीं 3 अकाउंट्स का खुलासा करना है बेटे। एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है बेटे नॉमिनल अकाउंट, और एक होता है बेटे पर्सनल अकाउंट। बड़े ध्यान से बैठ रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना है कि मैं क्या बोलता जा रहा हूं। अगर आपको लगे कि मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूं तो आप पॉज करें, मेरे वीडियो को दोबारा देखें, रिवर्स करें, फिर देखें, फिर रिवर्स करें, फिर देखें। बेटे आज मैं आपको बताने से पहले, थर्ड मेथड को बताने से पहले एक चीज बताऊंगा
कि मैंने आपको ये बात बताई हुई है कि देर आर थ्री अप्रोचेस ऑफ पासिंग जर्नल एंट्रीज, बेटे तीन, बेटे एक तो मेरी वाली है जो मैंने आपको बताई थी, लेन देन अप्रोच। लेन देन का मतलब है उसमें मैंने चार आइटम्स बताई थी, चार सिचुएशन बताई थी। एक, अगर आप थिंग्स को खरीदते हैं, वस्तुओं को खरीदते हैं, बेटे थिंग्स और वस्तुएं क्या होती है, ऐसी चीजें जैसे कैश, जैसे मशीनरी जिनको आप टच कर सकते हैं, जो निर्जीव होती है, उनको हम जनरली कहते हैं थिंग्स, जैसे फर्नीचर, जैसे मशीनरी, जैसे कैश। दूसरा मैंने बताया था सर्विसेस, और तीसरा मैंने बताया था प्रोमिसेस आप लेते हैं या प्रोमिसेस देते हैं, बेटे लेक्चर 5 या 6 में बताया हुआ है। और फोर्थ मैंने आपको बताया था बेटे प्रॉफिट और लॉस। ये चार सिचुएशंस अगर आप समझ लें तो आप मेरा वाला लेन देन वाला अप्रोच फॉलो कर सकते हैं और बड़ी से बड़ी जर्नल एंट्री पास हो सकती है। लेकिन क्योंकि आपके मन में रहा कि हमारी बुक में, हमारी स्टडी में इंस्टीट्यूट ने या बुक ने इस तरह से बताया, तो फिर मैंने आपको मेथड नंबर 2 भी बताया। बेटे एक्चुअली में तो आपके बुक में ही मेथड 2 और 3 लिखे हुए हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन मेथड। बेटे अकाउंटिंग इक्वेशन मेथड में हमने 5 चीजों पे ध्यान दिया। आज मैंने इतने क्वेश्चंस किए, उन सब में मैंने 5 चीजों पे ध्यान दिया, कैपिटल पे, लायबिलिटीज पे, एसेट्स पे, एक्सपेंसेस पे, इनकम्स पे। बेटे अगर ये 5 चीजों का आपको आइडिया लग जाए तो अकाउंटिंग इक्वेशन के बेसिस पे आप कोई भी बड़ी से बड़ी जर्नल एंट्री पास कर सकते हो, और हमने पिछले लेक्चर्स में की भी है। बेटे आज मैं तीसरा मेथड बताने जा रहा हूँ, और वो थर्ड मेथड है टाइप्स ऑफ अकाउंट मेथड, अलग अलग तरह के अकाउंट्स का मेथड, जैसे रियल अकाउंट, जैसे पर्सनल अकाउंट, जैसे नॉमिनल अकाउंट। तो बेटे मैं ये 3 अकाउंट्स आपको आज कराने वाला हूँ, तो प्लीज आप सभी रजिस्टर ओपन जरूर करें। बेटे भले आपको मेरे लास्ट लेक्चर्स में बताया है, लेकिन मैं फिर रिपीट करूंगा कि आप लिखेंगे ना तो ज्यादा बात समझ आएगी। अभी अभी देखा आपने, करत करत अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान, तो आपको अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन एंड वुमेन बोथ परफेक्ट, तो प्लीज डू प्रैक्टिस। आइए हम करें अप्रोचेस टू पास जर्नल एंट्रीज में, लेन देन अप्रोच, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, बेटे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, यूरोपियन अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच, इसको हम करने जा रहे हैं। बेटे इसको करने जा रहे हैं, मैं आपको हल्का सा एक आइडिया जरूर दूंगा। लेन देन अप्रोच में हमने 4 सिचुएशंस की बातें की थी, आपको लिखना है। बेटे लेन देन का हमने बोला गिव एंड टेक, देने और लेन देन, लेना देना, टू गिव टू टेक, बेटे ये अप्रोच थी। और इसमें हमने 4 बातों को डिस्कस किया था, बेसिकली थिंग्स, सर्विसेस, थिंग्स मतलब वस्तुएं, वस्तुएं क्या होती है जिनको हम टच कर सकते हैं, हम जिनको कहते हैं निर्जीव हैं उनको बोलते हैं बेटा वस्तुएं, जिनको हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, जिनमें निर्जीवता होती है उनको बोलते हैं बेटा वस्तुएं, जैसे कैश, जैसे मशीनरी, जैसे फर्नीचर। फिर दूसरा बताया था सर्विसेस, बेटे आप रेंट की सर्विसेज लेते हैं, रेंट पे करते हैं, आप कमीशन की सर्विस लेते हैं, कमीशन पे करते हैं, आप मजदूरी की सर्विस लेते हैं, वेजेस पे करते हैं, सैलरी पे करते हैं, इवन आप किसी से पैसे उधार में लेते हैं तो आप उसके बदले में उसको इंटरेस्ट पे करते हैं, सूट पे करते हैं। बेटे इंटरेस्ट इज ऑल्सो अ सर्विस। इन ऑल दीज सर्विसेस आई हैव टोल्ड यू दैट दिस इज अ सेकंड सिचुएशन इन विच आई कैन पास जर्नल एंट्री विद हेल्प ऑफ लेन देन अप्रोच। थर्ड इज प्रॉमिस, अगर आप कोई गुड्स किसी को उधार में बेचते हो तो आप उसे प्रॉमिस ले लेते हो कि वो आपको पैसे देगा, या आप गुड्स उधार में खरीदते हो तो आप प्रॉमिस दे देते हो, तो बेटे थर्ड सिचुएशन है प्रॉमिसेस। और लास्ट फोर्थ सिचुएशन है गुड लक और बैड लक, प्रॉफिट और लॉस। आप जा रहे थे, आपको मोबाइल फोन मिला एप्पल का, आपको लैपटॉप मिला, दिस इज प्रॉफिट, इसके बदले में कुछ नहीं देना पड़ा। बेटे जो प्रॉफिट और लॉस होता है डायरेक्टली कैपिटल में जाता है, ये बात बताई हुई है मैंने आपको। तो मैंने उसके बाद आपको दूसरी अप्रोच कराई थी बेटे, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। हम एक एक ट्रांजैक्शन लास्ट लेक्चर में पढ़ते थे, अभी भी आगे प्रैक्टिस करेंगे, तो हम क्या करते थे, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट। इस अकाउंटिंग इक्वेशन में हम क्या करते थे, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट में हम इक्वेशन प्रिपेयर करते थे, और हम देखते थे कि जो ट्रांजैक्शन हुई है उसमें कौन से 2-3 एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं जो कहां पर आते हैं, क्या वो कैपिटल में आते हैं, क्या वो लायबिलिटीज में आते हैं, क्या वो एसेट्स में आते हैं, क्या दोनों एसेट्स में आते हैं, क्या दोनों लायबिलिटीज में आते हैं, या दोनों कैपिटल में आते हैं। उसके बाद हम उसमें देखते थे कि वो बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं, अगर बढ़ रहे हैं तो हम डेबिट करें या क्रेडिट करें। बेटे आपको मैंने चार्ट भी बनवाया था,
बोलो हाँ या ना तो बोल दो बेटे। तो बेटे सेकंड मेथड आप प्लीज एक बार लिख लें, माइंड को दोबारा ना रिफ्रेश कर रहे हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, कैपिटल लायबिलिटीज एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस, कैपिटल लायबिलिटीज एसेट्स एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। उसके बाद बेटे मैंने आपको ये, देखिए आपको ये इक्वेशन लिखी थी कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स, और मैंने कहा था कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस इन नेचर होता है। बेटा हर किसी का नेचर है, आप ये बताओ आप काजू की बर्फी खाओ काजू कटली, तो बेटा उसका नेचर है ना उसमें काजू का स्वाद आएगा और मीठापन का स्वाद आएगा। आप शहद खाएं तो मीठे का स्वाद आएगा क्योंकि नेचर उसका ऐसा है। इसी तरह से एसेट्स का नेचर डेबिट है और लायबिलिटीज और कैपिटल का नेचर क्रेडिट है, क्योंकि दोनों का क्रेडिट है इसलिए हमने दोनों को एक साथ दिखा, कैपिटल प्लस लायबिलिटी को एक साथ दिखा लेफ्ट हैंड साइड में और एसेट्स को राइट हैंड साइड में लिखा। अगर एसेट्स का डेबिट नेचर है और एसेट्स बढ़ जाते हैं तो बेटे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और अगर एसेट्स कम हो जाते हैं तो क्रेडिट करेंगे ऑपोजिट। और बिल्कुल इसको ऑपोजिट बेटे कैपिटल और लायबिलिटीज के लिए ये चार्ट बनाया था हमने। बेटे ये आपको एक बार दोबारा से बनाना है, आप ढीले मत पड़ना, बिल्कुल स्ट्रेट होके बैठो। आज आप ढीले ढीले बैठ रहे हो और आज तो चेयर में भी नहीं बैठे, आप पता नहीं क्यों बेड पे बैठ के कर रहे हो। मैं थप्पड़ मारने वाला हूँ आपको, मेरे को सब दिख रहा है आप कैसे कर रहे हो और आपको लगता है कि आपको सब समझ आ जाएगा। बेटे फॉर गेटिंग समथिंग यू हैव टू लूज समथिंग, डबल इफेक्ट यहाँ भी चलता है। आपको कुछ चाहिए ना अगर मेरे से तो बेटे जैसे मैं कह रहा हूँ आपको वैसे टाइम देना पड़ेगा, वैसे उसी पोस्चर में बैठ के पढ़ना पड़ेगा। बेटे आज मैं आपको थर्ड अप्रोच, जो आज का लेक्चर 9 है बेटे, यही अप्रोच कराने जा रहा हूँ। इसका नाम है ट्रेडिशनल अप्रोच, वो गुजरा हुआ जमाना याद करा दे मुझे कोई। बेटे जब मैं पढ़ता था तो हमारे को एक ही अप्रोच कराई जाती थी, उसका नाम है ट्रेडिशनल टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। हमारे पास जब मैडम आती थी स्कूल में या कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में, तो बेटे हमारे को ये बताया जाता था, उस जमाने की बात कर रहा हूँ, एक ही मेथड होता था। उस जमाने में ये कहते थे कि तीन तरह के अकाउंट्स होते हैं। हमने कहा अच्छा, किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आप तीन तरह के अकाउंट्स में डिवाइड कर सकते हो। एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आप तीन तरह के अकाउंट्स में डिवाइड कर सकते हो। पहला रियल अकाउंट, रियल लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है, अभी बताऊंगा, अभी नीचे करूंगा। देखो रियल नॉमिनल पर्सनल कितने बढ़िया बढ़िया मटके बनाए आपके लिए, आप पहले ऊपर से लिखना शुरू कीजिए। थर्ड ट्रेडिशनल और पुराना तरीका ऑफ पासिंग जर्नल एंट्रीज, देयर आर थ्री रूल्स। बेटा तीन रूल्स आज कराने हैं मैंने। सबसे पहले तो हम कोई भी ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे तो हम ये चेक करेंगे कि क्या वो रियल अकाउंट में आता है, क्या वो पर्सनल अकाउंट में आता है, या क्या वो नॉमिनल अकाउंट में आता है। तो बेटे अब हमें पता होना चाहिए कि रियल अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आती है, नॉमिनल में कौन कौन सी चीजें आती है, पर्सनल में कौन कौन सी चीजें आती है। बेटे बहुत ही सिंपल है, कुछ मुश्किल है ही नहीं। आप पहले आराम से ए पार्ट लिखिए, देयर आर थ्री रूल्स। एक रूल है बेटे रियल का, एक रूल है बेटे नॉमिनल का, एक रूल है बेटे पर्सनल का। सो देयर आर थ्री रूल्स। फर्स्ट रूल इज अ रियल अकाउंट रूल। आप ऐसे ही मटके बनाओ बेटे जैसे मैंने बनाया, ऐसे ही हाईलाइट करो। आपके पास पीला और ऑरेंज कलर का हाईलाइटर मैंने पहले लेक्चर में बताया था होना चाहिए। बेटे हाईलाइट जितना करोगे आपका पढ़ने का मन ज्यादा करेगा। बड़ी सिंपल सी बात है, आप किसी को देखते हो और किसी ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हैं तो आपको देखने का मन बार बार करेगा, और किसी ने सादे कपड़े पहने हैं तो आपका देखने का मन नहीं करेगा। क्योंकि बेटे ये जो ह्यूमन बीइंग है, ये जो आईज है, ये कलरफुल चीजें ज्यादा पसंद करती है। तो आपको अपनी बुक को कलरफुल बनाना, देखिए मैंने कलरफुल बनाया है। देयर आर थ्री रूल्स। बेटे एक रूल का नाम है रियल अकाउंट रूल, अभी बताऊंगा बेटे, कुछ रटना नहीं है, बिल्कुल आराम से समझेंगे। दूसरा रूल है बेटे नॉमिनल अकाउंट रूल, तीसरा रूल है बेटे पर्सनल अकाउंट रूल। पहले हम ये तो समझ लें कि रियल अकाउंट के रूल में कौन कौन सी चीजें आती है, रियल अकाउंट में आता क्या क्या है। और अच्छा, ऑल रूल्स के दो दो पार्ट्स हैं, मतलब डेबिट का एक रूल होगा, एक रूल जैसे रियल अकाउंट का है, तो पहली लाइन बताएगी इन चीजों को आप डेबिट करो, तो दूसरी लाइन बताएगी इन चीजों को आप क्रेडिट करो। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो जो डेबिट करने वाली बात होगी उसकी बिल्कुल ऑपोजिट क्रेडिट करने वाली बात होगी।
चाहे वो नॉमिनल अकाउंट में हो या वो पर्सनल अकाउंट में हो। मेरी बात आप समझ रहे हैं? आप एक बार लिखिए, मैं सारी बातें बताऊंगा। क्या आपने यहाँ से लिख लिया बेटे? ट्रेडिशनल पुराना तरीका और जर्नल एंट्रीज, थ्री रूल्स बेटे। एक रूल है रियल अकाउंट रूल, दूसरा रूल है नॉमिनल अकाउंट रूल, तीसरा रूल है पर्सनल अकाउंट रूल। ऑल रूल्स हैव टू पार्ट्स, अभी बताऊंगा बेटे, टू पार्ट्स। जैसे रियल अकाउंट का रूल होगा डेबिट व्हाट कम्स इन द बिजनेस, तो उसका ऑपोजिट होगा क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस। बिल्कुल ऑपोजिट चलेंगे, वन फॉर डेबिट एंड सेकंड फॉर क्रेडिट। एक पहली लाइन होगी डेबिट के लिए, दूसरी लाइन होगी क्रेडिट के लिए। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट पता क्या है, आपको पहले ये तो पता होना चाहिए कि रियल अकाउंट में आएगा क्या क्या। एक सेकंड पेन नीचे रख दीजिए, प्लीज पेन को नीचे रखिए, स्ट्रेट हो जाइए और मेरी बात को ध्यान से सुनिए। इस समय में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं मैं आपको। ये कह रहा हूं कि रियल अकाउंट की कैटेगरी में क्या क्या आएगा बेटे। रियल अकाउंट की कैटेगरी में, रियल अकाउंट की कैटेगरी में थिंग्स आएंगी, वस्तुएं बेटे, थिंग्स वस्तुएं आती हैं ये, जिनको हम टच कर सकते हैं, जो निर्जीव होती हैं, जिनसे हमें बेनिफिट मिलता है बेटे, उसको बोलते हैं थिंग्स। थिंग्स वस्तुएं, वस्तुएं इसका मतलब जितनी भी वस्तुएं संसार के अंदर, जैसे कैश, जैसे फर्नीचर, जैसे मशीनरी, जैसे जैसे ऑफिस इक्विपमेंट। तो बेटे ये सब कुछ कहां पर आएगा? रियल अकाउंट के अंदर। उन्होंने कहा कि हम इसकी कैटेगरी रियल अकाउंट डालेंगे। बड़ी सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल है ही नहीं। रियल का मतलब है रियल अकाउंट में वी विल कवर ऑल टाइप्स ऑफ थिंग्स, या जितनी भी तरह की वस्तुएं होंगी हम उसको रियल अकाउंट में कंसिडर करेंगे। तो चेक करते हैं बेटे, कैश लिखना है बेटे, लिखना है। आपको बस ये पता चल जाए कि नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आएगा, जो भी बता रहे हैं, पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आएगा, रियल अकाउंट में क्या क्या आएगा। एक बच्चा कहता है क्या सर तीन ही अकाउंट होते हैं? बेटा मैंने कहा तीन ही होते हैं। दूसरा बच्चा कहता है क्या इस दुनिया की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं क्या हम उनको तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं? मैंने कहा हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अभी रुको तो सही, एक मिनट ठंड तो रख लो, पहले नोट तो कर लो दैट रियल अकाउंट कवर्स ऑल टाइप्स ऑफ थिंग्स। एग्जाम्पल भी लिख लो, कैश, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग। और बेटा देखो मैंने इसका रूल एक स्क्वायर में डाला, रेक्टेंगल में बनाया है। बेटे आप भी रेक्टेंगल बनाओ, देखो कितना बढ़िया, कितने अच्छी तरह से लिखा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। बेटे जो आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन कहां पे? इन द बिजनेस। डेबिट व्हाट कम्स इन द बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। आराम से देखो बेटा, बेटे रियल अकाउंट का रूल एक बार लिख तो लो और आप चेक करो इसका ऑपोजिट बेटा ये है। डेबिट कब करेंगे? जब कुछ आएगा, जब कुछ बिजनेस में आ रहा है। कौन सी रूल है ये? रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट में क्या क्या आता है? थिंग्स आती है। तो बेटे जब कोई ऐसी वस्तु मेरे बिजनेस में आ रही है, फर्नीचर आ रहा है, मशीनरी आ रही है, गुड्स आ रही है, ऑफिस इक्विपमेंट आ रहा है, कैश आ रहा है, तो बेटे मैं क्या करूंगा? डेबिट करूंगा एज पर रियल अकाउंट रूल। बेटे इसको ऑपोजिट, अगर कोई थिंग मेरे बिजनेस से जा रही है, मैंने फर्नीचर बेच दिया, मैंने गुड्स बेच दी, मैंने मशीनरी बेच दी, मैंने कैश दे दिया, बेटे ये थिंग्स ही तो है। तो पहली बात आपको ये चेक करना है कि ये कौन से अकाउंट में आएगा। अभी जैसे मैंने एक ही चीज बताई है कि रियल अकाउंट में थिंग्स आती है, अभी धीरे धीरे बताऊंगा कि नॉमिनल अकाउंट में हम क्या क्या लेंगे, सर्विसेज लेंगे, एक्सपेंसेस, लॉसेस, प्रॉफिट्स लेंगे। अभी देखते हैं अभी आप ठंड रखिए, पहले इसका रूल लिखिए। रूल बेटे ये रियल अकाउंट का रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन द बिजनेस, डेबिट व्हाट कम्स इन द बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस। बेटे जो बिजनेस में आ रहा है हम उसको डेबिट करेंगे, और जो बिजनेस से जा रहा है हम उसको क्रेडिट करेंगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन द बिजनेस,
क्रेडिट वर्ड गोज आउट ऑफ द बिजनेस, पहले इसको लिख लें, आराम से लिख लें, कोई जल्दी है ही नहीं बेटे। डेबिट वर्ड कम्स इन द बिजनेस, क्रेडिट वर्ड गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस एंड दीज आर ऑपोजिट टू ईच अदर। अब मैं इसको समझाऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, आप पहले आराम से इन चीजों को लिख लो, फिर मैं बड़े सारे एग्जांपल्स दूंगा और उन एग्जांपल से एक एक बात को क्लियर करूंगा, दूध अलग कर दूंगा, पानी अलग कर दूंगा और आपको लॉजिकली समझ आएगा। इट मींस जो भी वस्तु बिजनेस के अंदर आ रही है, देखो बेटा हिंदी में भी बताने की कोशिश की, जो भी वस्तु जो भी थिंग्स बिजनेस के अंदर आ रही है, बिजनेस में आ रही है, बिजनेस में आ रही है, उसको क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, उसका मतलब इंक्रीज हो रही है तो उसे डेबिट करेंगे, डेबिट करेंगे। इसका मतलब आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या उस ट्रांजैक्शन में वस्तु है या नहीं, क्योंकि अगर वस्तु है तो रियल अकाउंट जरूर लगेगा, और रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन द बिजनेस, और उसको ऑपोजिट क्या है, क्रेडिट व्हाट गोस आउट ऑफ द बिजनेस। आप चेक करिए, ऑपोजिट मैंने लिखा है, जो भी वस्तु बिजनेस से जा रही है, जो भी वस्तु बिजनेस से जा रही है, कम हो रही है, उसे क्रेडिट करेंगे। बेटे जो वस्तु बिजनेस से जा रही है उसे क्रेडिट करेंगे, जो बिजनेस में आ रही है उसे डेबिट करेंगे। इसका मतलब हम सबसे पहले चेक करेंगे क्या ये कोई थिंग तो नहीं है, क्या कोई ये वस्तु तो नहीं है, तो बेटे रियल अकाउंट का रूल लगाएंगे। अभी हम देख लेते हैं, इसके बड़े सारे एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, आपको कसम होगी अगर आपने एग्जाम्पल ना लिखा, मैं बता रहा हूँ, आज आप ढीले ढीले बैठे हो, मुझे नहीं पता क्या चक्कर है। बेटे आज ट्रेडिशनल रूल का आवागमन है, बेटे इसका इन्वाइट, इसको इसका इसका बेटे इसका स्वागत कीजिए। आप कैसे बातें ढीले ढीले बैठे हैं, आपने इतना अच्छा स्वागत किया लेन देन मेथड का, फिर आपने स्वागत किया अमेरिकन मेथड अकाउंटिंग इक्वेशन मेथड का, आज क्या बात होगी बेटे, आखिरी मेथड है और आप ढीले ढीले बैठे हैं। नहीं बेटे ना, आप भूपेश आनंद के है ना, आप बेटे भूपेश आनंद के स्टूडेंट है ना, तो बिल्कुल स्ट्रेट होके बैठेंगे और एग्जाम्पल लिखेंगे। बेटे दो तीन एग्जाम्पल दूंगा, बिल्कुल खुलासा हो जाएगा, आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। मैंने एग्जाम्पल दिया परचेज ऑफ मशीनरी इन कैश, बेटे हमने मशीनरी खरीदी, सपोज करते हैं हम अपोलो टायर्स हैं, हम टायर बनाते हैं, अपोलो टायर्स मेरी कंपनी का नाम है और हम टायर बनाते हैं, हमें एक मशीनरी खरीदनी थी जिससे हम टायर बना पाए। मान लेते हैं वो मशीनरी 1,00,000 रुपए की है और वो कैश में हमने खरीदी, तो अब सवाल आता है कि मैं इसको वैसे वो लेन देन मेथड अप्रोच से कर सकता हूँ, मैं इसको अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से भी एंट्री पास कर सकता हूँ, लेकिन बेटे मैं अभी आज इसको ट्रेडिशनल अप्रोच से ही बताऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज का लेक्चर हम डिवोट करें ट्रेडिशनल अप्रोच पे। हम सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि इस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में ऐसे दो कौन से कीवर्ड हैं,